हेलो एवरीवन, तो आज बनाएंगे चीज़ नगेट्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना किस किस लोगों को ना चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं चीज़ नगेट्स बनाना। तो सबसे पहले ना चीज़ नगेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे पटेटोज़ ले लिए हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे पटेटो चीज़ नगेट्स बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 5 से 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। याद रखना है बॉइल्ड आलू आपको यहाँ पे लेने हैं। और इसे ना अच्छी तरह से आप फोक की मदद से पहले मैश कर लेंगे। और फिर जब ये फोक से अच्छी तरह से मैश हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पटेटो मैशर भी ले लेंगे और पटेटो मैशर की मदद से भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी ना इसमें पटेटो के पीस बचने ही नहीं चाहिए, पूरा एकदम मशी हो जाना चाहिए। चलिए पटेटो मैशर की मदद से भी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। तो हमने यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, एकदम पतला पतला काट के प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पे डाल देंगे। और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हमने मिक्स करके रख दिया था, 1-1 टीस्पून ये डाल दिया है। साथ में अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 टीस्पून ना हम यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये 5 से 6 लहसुन को हमने घर पे ही पीस करके इसका पेस्ट बना लिया था। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पे डाल देंगे हम हरी मिर्च। तो यहाँ हमने 2 बारीक हरी मिर्ची को काट करके ले लिया था, एकदम बारीक काट लेंगे। और साथ में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे वैसे, क्योंकि आगे चीज़ जाएगी तो चीज़ में भी काफ़ी नमक होता है। तो अब क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो कॉर्नफ्लोर की जगह हम यहाँ पे राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून चावल का आटा या फिर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अच्छी तरह से ना इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए मिक्स हो गई। अब हमने ना यहाँ पे चीज़ डालना भूल गए थे हम, तो हम यहाँ पे चीज़ डाल देते हैं। तो ग्रेट करके चीज़ डाल देंगे यहाँ पे। तो चलिए अच्छी तरह से चीज़ डाल के भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और एकदम इवनिंग टाइम स्नैक्स के लिए तो बेस्ट रहेंगे। तो एक बार से घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अच्छी तरह से हमने इसका आटा जैसा लगा दिया है, डो के फॉर्म में इसे कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं। अब इसे ना लंबा लंबा काट देंगे। तो 1 चीज़ क्यूब में से हम 4 पीस बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम लंबा लंबा काट करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए हमारी चीज़ तो कट करके तैयार है। तो ये जब मेल्ट होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब क्या करेंगे, एक स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे एक बाउल में और 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। सेम यहाँ पे भी, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा यूज़ कर ले, और अगर आपके पास चावल का आटा भी ना हो तो आप यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसे काफ़ी देर तक मिक्स करेंगे। ये देखिए एकदम हमारी जो स्लरी है वो बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी की बनाई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हमारी चीज़, साथ में यहाँ पे ले लेते हैं हमने जो स्लरी तैयार करी थी और हमने जो आलू का डो तैयार करा था वो, और साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो घर में जो ब्रेड क्रम्स पड़े रहते हैं, ब्रेड पड़ी रहती है उसी का हमने यहाँ पे मिक्सर में पीस दिया था और इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना डो ले लेंगे, इसे हल्का सा ना ऐसे बीच में से शेप दे देंगे, यानी कि बीच में से हल्का सा ऐसे टच कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा शेप दे देंगे ताकि अंदर हमारी चीज़ अच्छी तरह से फिट हो जाए। और ये देखिए चीज़ का पीस डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी हम इसे एक बार अच्छी तरह से शेप दे देंगे ताकि ये बिल्कुल भी अजीब ना दिखे। ये लीजिए शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। पहले ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डालने के बाद हम इसे हमारी स्लरी में डिप करेंगे। अब स्लरी में डिप करने के बाद वापस से हम इसे हमारे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। ये देखिए तो ऐसे ये जो हम 2 बार इस पर कोटिंग करते हैं ना, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे 5 से 6 बना करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, ये जैसे ही गर्म हो गए थे तो हमने इन्हें डाल दिया था। एक्चुअली वो जो क्लिप है वो मेरी शूट करनी रह गई, मतलब वो मेरे से डिलीट हो गई, तो इसकी वजह से वो मैं यहाँ पे क्लिप डाल नहीं पाई। वरना हमने इसे जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसे डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया था।
गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर बाहर से तो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हमारे जो नगेट्स हैं बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं ये अभी से ही। तो अब क्या करते हैं, इन्हें एक पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं और अब इसे आप किसी भी डिप के साथ, लिटरली किसी भी डिप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चाहे वो शेजवान हो, चाहे वो केचप हो, चाहे वो मेयोनीज हो, किसी के भी साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये देखिए हमने इसे सर्व किया है केचप के साथ, आप चाहें तो इसे मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ ये अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी है, बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है कि हम इसे खाना बंद करें, ऐसा लगता है खाते ही जाए खाते ही जाए। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये नगेट्स। और अगर आपने ट्राई किया हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना आप में से किस किस को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।